देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरठ के किन्नौज शुगर मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मिल परिसर में आग लगने से दो लोग झुलस गए। आग लगने के एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर डीएम एसएसपी सहित तमाम पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। डीएम ने बताया कि हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, साथ ही दो अन्य लोग झुलस गए जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के किन्नौनी शुगर मिल की है। बजाज ग्रुप के शुगर मिल में सैकड़ों लोग काम करते हैं। लोगों की माने तो मिल में एक के बाद एक तीन धमाके हुए जिससे आग फैलती चली गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हैं, जिसके बाद आग लगने के सही कारणों की भी पड़ताल की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। जैसे अभी ये कि एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है, लेकिन जैसे जो बता रहे हैं कि शायद जो ट्रक यहाँ पे खड़ा था उस पार्किंग में कुछ हुआ है, इसकी वजह से बात करें कोई कैजुअलिटी कोई इंजर्ड। अभी तक जो अभी यहाँ पे जो डिलीवरी है और हमारे अधिकारी हैं मैं बता रही हूँ, एक की बात है दो अभी इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। उनका उपचार चल रहा है। आगे जाने के लिए आपको बता रही हूँ कि लगभग जो है 12-13 दिन में हमारे पास के अंदर अधिकारी हुए हैं, पर आग बहुत ज़्यादा लगी है और वो पानी भी नहीं मिली है, तो इसके लिए फॉर्म के अंदर के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रही है और नोएडा के लिए आ रहा है, आर्मी के लिए निकल गया है और BPL और IIT है उनके भी हम लोग फॉर्म वाले के अंदर मिला रहे हैं। तो उम्मीद है कि अभी इंजर भी करवा रहे हैं। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।